गवर्नमेंट कॉलेज के साइकोलॉजी लैब में आपका स्वागत है। जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने जो चल रहा है वो है सिंपल रिएक्शन टाइम, यानी कि साधारण प्रतिक्रिया समय, इसको रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये रिएक्शन टाइम, ये मापा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे पास अभी आपके सामने दिख रहा है, उसको बोलते हैं क्रोनोस्कोप, यानी डिजिटल क्रोनोस्कोप, और ये मिलीसेकंड्स तक टाइम को ये नाप लेता है। मिलीसेकंड्स का मतलब है एक सेकंड का 1000वां हिस्सा। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। रिएक्शन टाइम की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है और क्यों इसके मापने की आवश्यकता होती है? हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सिंपल रिएक्शन टाइम की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, अगर आपका रिएक्शन टाइम सही है तो क्या कहा जाएगा कि एजाइल एंड एफिशिएंट रिएक्शन टाइम। एग्जांपल लीजिए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सामने से अचानक से कुछ आ जाता है, तो उस समय आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। तो आपने जब उस घटना को देखा और जब आपने ब्रेक लगाया, उसके बीच का कुछ समय होता है, उसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो रिएक्शन टाइम का मतलब होता है स्टिमुलस के शुरू होने से और रिस्पॉन्स करने के बीच का जो समय है उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। ये समय क्यों लगता है? ये समय इसलिए लगता है कि जब हमारे सेंस ऑर्गेन्स किसी भी उद्दीपक को, किसी भी स्टिमुलस को सेंस करती हैं, तो वो उसके पश्चात वो स्टिमुलस ट्रेवल करके, सेंस ऑर्गेन्स की थ्रू ट्रेवल करके नर्व्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक केमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके जब हमारे ऑडिटरी नर्व या दूसरी जो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जब वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, उसके बाद मस्तिष्क से एक ऑर्डर आता है हमारी मसल्स को तो रिएक्ट करने के लिए। तो ये ट्रेवल टाइम और रिएक्शन के बीच का जो समय है दोस्तों, उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से रिएक्शन टाइम को मापा जाता है, जैसा मैं बताया आपको, ये डिजिटल क्रोनोस्कोप है। अब बात कई बार इस बात की आती है कि क्या रिएक्शन टाइम इंप्रूव किया जा सकता है। स्टडीज, रिसर्च हमें बताती है कि रिएक्शन टाइम को इंप्रूव किया जा सकता है। स्टार्ट। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिएक्शन टाइम को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, इंडिविजुअल के फैक्टर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के फैक्टर्स होते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं। जो आप देखेंगे एक रिकॉग्निशन है कि स्टिमुलस को कितना जल्दी आपने रिकॉग्नाइज किया है, वो एक फैक्टर है। आपकी चॉइसेस क्या है, आपका परसेप्शन परस्यू कैसे करते हैं, और स्टिमुलस किस प्रकार का है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितनी तेज है, वो कितना स्लो है, इसके प्रति इंडिविजुअल की मेंटल स्टेट क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या उसको कितना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना वो थका हुआ है, उसका फैटिक क्या है, उसका विजन क्या है। कई बार अगर विजन सही नहीं है तो भी रिएक्शन टाइम डिफर कर सकता है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोनोस्कोप को टेस्ट करना है कि क्या वो सही है। दूसरा, आपको जो इंडिविजुअल है उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई मैं एक बटन आपको दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ, तो जैसी जो लाइट दबेगी, जलेगी, उसके सामने का बटन आपको प्रेस करना है। ये होता है सिंपल विजुअल रिएक्शन टाइम। इसके साथ साथ हम इस क्रोनोस्कोप के माध्यम से ऑडिटरी, सिंपल ऑडिटरी रिएक्शन टाइम भी माप सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी इंडिविजुअल के 20 ट्रायल आप लेंगे, उसके मिली सेकेंड्स आप नापते हुए चलेंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे रिएक्शन टाइम की, तो 20 ट्रायल आपको लेने हैं। हर ट्रायल का माइक्रो और मिली सेकेंड्स में आप उसका टाइम नोट करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसका मीन निकालना है, मीन रिएक्शन टाइम। मीन निकाला, मुझे एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मीन निकालने के बाद आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बहुत आसान है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेशन करना आपको आता है। इस तरह से इंडिविजुअल का मीन हो गया, ये इंडिविजुअल का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब उसके साथ आपको पूरे ग्रुप का, जितने बच्चे आपके ग्रुप में थे जिनका रिएक्शन टाइम आपने मापा है, सभी का मीन निकालिए और सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए एक साथ। अब उस मीन को और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिविजुअल के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कीजिए।
इस तरह से हम इंडिविजुअल का सिंपल रिएक्शन टाइम माप सकते हैं। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या हम रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, रिसर्च हमें बताती है कि कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस से, अभ्यास से रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रिएक्शन टाइम के बारे में टोटल एक्सपेरिमेंट था। अब मैं आपको ना बिल्कुल बारीकी से दिखाना चाह रहा हूँ कि क्रोनोस्कोप, डिजिटल क्रोनोस्कोप है, एक तरफ से कैसा दिखता है और उसमें कैसी उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। ये देखिए किस तरह से एक्सपेरिमेंटर है, वो बार बार रेगुलेटर को मूव करके रैंडमली वो लाइट्स के लिए बटन प्रेस कर रहा है, और उस तरफ आप देखेंगे दूसरी तरफ जो टेस्टी है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो किस तरह से रिस्पोंड करता है। देखिए पीली लाइट जली तो उन्होंने तुरंत उसको रिस्पोंड किया, लेकिन इसके बीच समय लगा। अब आप देखेंगे तो ये रेड लाइट, ये विजुअल रिएक्शन टाइम मापने की प्रक्रिया गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर में चल रही है, साइकोलॉजी लैब में। अभी ब्लू लाइट, कैसे वो रिस्पोंड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटर है उसके पैनल पर एक डिजिटल मिली सेकेंड मेजरमेंट की जो क्लॉक लगी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, ये क्लॉक जैसे ही वो बटन को प्रेस करते हैं वो चलने लगती है, और जो एक्सपेरिमेंटर है वो उसके कारण क्लॉक चलती है, और जैसे ही टेस्टी बटन प्रेस करता है ये क्लॉक या मीटर जो है ये रुक जाता है, और जिस टाइम पर ये रुकता है एक्सपेरिमेंटर उस टाइम को अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। दोस्तों ये है सिंपल विजुअल रिएक्शन टाइम का एक्सपेरिमेंट। देखो फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए एक्सपेरिमेंट जब चलता है तो हम इस एक्सपेरिमेंट को दूसरे विद्यार्थियों को भी दिखाते हैं ताकि वो सीख लें कि आगे उन्हें कैसे करना है। ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें भी यही एक्सपेरिमेंट करना है। ये हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी, जिसमें अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सिंपल रिएक्शन टाइम को क्रोनोस्कोप के माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है, असेस किया जाता है। दोस्तों रिएक्शन टाइम जितना बेटर होता है उतना ही व्यक्ति एजाइल और सही माना जाता है। अब कई बार ये पॉइंट आता है कि रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए। यूँ कहते हैं कि जो ऑप्टिमल रिएक्शन टाइम है दैट मस्ट बी बिटवीन 200 to 300 मिली सेकेंड्स, यानी कि 200 और 300 मिली सेकेंड के बीच में आपका रिएक्शन टाइम होना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक्सपेरिमेंट भी आप इसको देख कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनसे आप शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो आप हमारे साथ उसको शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।